हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट बेसिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। आई एम प्रोफेसर स्वाति इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनायंस। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने आइडेंटिफाई किए थे कटायन, हमें एक ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला था और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके हमने उसमें से आइडेंटिफाई किया था कटायन। ये सेम तरह का एक्सपेरिमेंट है, बस इस बार आपको जो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन मिलेगा उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके आपको पता करना है कि उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट है। तो एक्सपेरिमेंट का एम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनायन इन गिवन ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है, जिसका कोर्स आउटकम है अप्लाई द कैटालिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। और ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आप दिए हुए किसी भी ओरिजिनल सॉल्यूशन में से अनायन जो है उसको ढूंढ के निकाल पाएंगे, तो ये इसका प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम है। इस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस करने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं। तो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के जैसा ही रहेगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते हैं तो वो स्प्लिट होता है, दो तरह के आयन बनाता है। एक आयन के सर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आयन के सर पे होता है निगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे कहा जाता है कटायन, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसे कहा जाता है अनायन। फिर ये कटायन और अनायन बनते कैसे हैं? तो कटायन जो है वो हमेशा बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक एटम से, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसके सर पे डेवलप होता है प्लस चार्ज, और जिसके सर पे प्लस चार्ज होता है उसे कहा जाता है कटायन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है वो बनते हैं, अनायन जो है वो बनते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटालिक एटम से, क्योंकि नॉन मेटालिक एटम जो है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके सर पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिस आयन के सर पे माइनस चार्ज होता है उसे कहा जाता है अनायन। तो अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर। जैसा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी हमने दो स्टेप परफॉर्म किए थे, पहले स्टेप में हमने कटायन को ढूंढा था और बोला था कि ये कटायन मे बी प्रेजेंट, मतलब हो सकता है, और फिर हमने स्टेप नंबर 2 में उसको किया था कन्फर्म बाय द कन्फर्मेटरी टेस्ट। सेम यहाँ पे भी हमको दो स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करना है। पहले स्टेप्स में हम अनायन को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको ढूंढेंगे, उसके लिए हमें ये चार जो टेस्ट है ये 1 by 1 एक के बाद एक करके देखना है। इसी सीक्वेंस से हमको ये करना है, ठीक है। अगर पहली टेस्ट नहीं आती है तो फिर दूसरी करना है, दूसरी नहीं आती है तो तीसरी करना है, तीसरी नहीं आती है तो चौथी करना है। चार में से कोई ना कोई एक टेस्ट आपकी ज़रूर रिजल्ट जो है वो बताएगी। यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि एक सॉल्यूशन में एक ही अनायन होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चारों टेस्ट में ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। आपको चार में से किसी एक ही टेस्ट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। अब फर्स्ट स्टेप में जो भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है मे बी प्रेजेंट, मतलब हो सकता है। ये कन्फर्म कब होगा? जब हम स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करेंगे, जिसका नाम है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अनायन। ये टेस्ट करने के बाद फिर हम बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में ये अनायन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये चार टेस्ट कौन सी है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि परफॉर्मेंस करते समय हमें आसानी जाए। आपको लेना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें डालना है डाइल्यूट HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड। अगर उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट होगा, CO3 माइनस माइनस, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन में से क्या निकलते हुए दिखाई देंगे, बबल्स, इफरवेसेंस भी जिसको बोलते हैं। तो अगर बबल्स दिखे इसका मतलब उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट रहेगा, CO3 माइनस माइनस। लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन में CO3 माइनस माइनस नहीं होगा तो उसमें कोई भी बबल्स नहीं दिखेंगे, सॉल्यूशन एकदम शांत दिखेगा, उस समय पे हम बोलेंगे कि CO3 माइनस माइनस एब्सेंट है। तो फिर हमें नेक्स्ट टेस्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये डालने के बाद अगर वाइट PPT मिलती है, वाइट कलर का सॉलिड वहाँ पे बनता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है, Cl- क्लोराइड आयन में भी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर क्लोराइड आयन आपके सॉल्यूशन में होगा ही नहीं तो वहाँ पे आपको कोई भी PPT नहीं मिलेगी। ऐसे कंडीशन में हमें नेक्स्ट टेस्ट करना है। नेक्स्ट टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, BaNO3 twice, बेरियम नाइट्रेट। इसमें अगर आपको वाइट PPT मिलती है, वाइट कलर का सॉलिड वहाँ पे जनरेट होता है, तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में कौन सा अनायन हो सकता है, SO4 माइनस माइनस मे बी प्रेजेंट।
एसओ फोर माइनस माइनस मे बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वाइट पीपीटी नहीं मिली, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करनी है। नेक्स्ट टेस्ट वही टेस्ट है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और उसमें बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। अगर आपके सॉल्यूशन को कुछ भी नहीं हुआ, उसमें ना बबल आए ना पीपीटी आई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नो पीपीटी का ऑब्जर्वेशन अगर आपको मिलता है, तो आपके सॉल्यूशन में कौन सा अनायन हो सकता है? एनओ थ्री माइनस मे बी प्रेजेंट, एनओ थ्री माइनस मे बी प्रेजेंट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चारों के चारों टेस्ट आपके इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं और चारों के चारों प्रेजेंट है, कोई भी एक ही आएगा। अगर आपकी ये पहली ही टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो आपको ये तीन टेस्ट बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कौन से स्टेप में जाएंगे, स्टेप टू। अगर आपको बबल्स मिलते हैं तो आपके इसमें कौन हो सकता है, सी ओ थ्री माइनस माइनस, तो फिर आप उसकी क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके इसमें बबल्स नहीं आए, तो फिर आपको दूसरी टेस्ट जो है वो करना है। दूसरे टेस्ट में अगर वाइट पीपीटी आ गई, तो आपके इसमें कौन प्रेजेंट हो सकता है, सी एल माइनस, तो फिर आपको ये थर्ड और फोर्थ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो सी एल माइनस में भी प्रेजेंट आया है, उसको आप कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन अगर आपके इसमें वाइट पीपीटी नहीं आई, तो फिर आप ये वाला करेंगे, मतलब ये वाला जो पहला टेबल है, ये आपको तब तक ही परफॉर्म करना है जब तक आपकी कोई टेस्ट आ नहीं जाती, कोई टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बताती। जैसे ही किसी भी चार में से कोई भी टेस्ट ने पॉजिटिव रिजल्ट बताया, तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाके उसको कन्फर्म करना है। तो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, तो इसको जो है वो हम अभी परफॉर्म करते हैं। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम हमारे परफॉर्मेंस की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट की तरफ। हमने अभी समझा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमें गिवन सॉल्यूशन में से अनायन ढूंढना है, वो सॉल्यूशन की प्रैक्टिकल प्रोसीजर हम कैसे करेंगे। तो इसके पहले भी हमें एक अननोन सॉल्यूशन मिला था, ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला था इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें से हमने ढूंढ के निकाला था कटायन, मतलब जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सेम प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, बस इसमें जो सॉल्यूशन हमें मिला है, इस सॉल्यूशन में से हमें ढूंढना है अनायन। अनायन मतलब ऐसा आयन जिसके सर पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते समय हमें फिर से कितने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, दो स्टेप। पहली स्टेप जो है, उसमें हम अनायन को ढूंढेंगे, कुछ टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे जिसके आधार पर हम बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में ये अनायन हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म कब होगा, जब हम उसकी कौन सी टेस्ट करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट जब हम करेंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में हाँ ये वाला अनायन जो है वो प्रेजेंट है। अब इसका जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया है, तब बताते समय मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको टोटल चार टेस्ट जो है वो करके देखना है, 1, 2, 3, ठीक है। और एक फोर्थ टेस्ट जो है वो यही वाली सेम टेस्ट है, क्योंकि एक बार इसमें वाइट पीपीटी आती है और एक बार इसमें नो पीपीटी आती है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टोटल चार टेस्ट जो है वो बताई हुई है। तो पहली टेस्ट जो है, उसमें हमें क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और उसमें हमें डालना है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अगर आपके सॉल्यूशन में कौन सा अनायन प्रेजेंट होगा, CO3 माइनस माइनस, कौन सा अनायन, CO3 माइनस माइनस, तो जैसे ही हम सॉल्यूशन में HNO3 डालेंगे, आपके सॉल्यूशन में से क्या निकलने लगेंगे, इफरवसेंस। इफरवसेंस का मीनिंग होता है बबल्स, कौन से गैस के बबल्स रहेंगे, वो CO2 गैस के। लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन में CO3 माइनस माइनस प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर आपके सॉल्यूशन में कोई भी इफरवेसेंस नहीं निकलेंगे, आपका सॉल्यूशन एकदम शांत रहेगा, कुछ भी उसमें डालने के बाद उसमें कुछ भी बबल्स वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि CO3 माइनस माइनस क्या है, एब्सेंट। तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सेकेंड टेस्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड टेस्ट क्या लिखी हुई है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम डालेंगे, जहाँ पे हमें मिल सकती है वाइट पीपीटी। अगर वाइट पीपीटी मिली, तो हमारे सॉल्यूशन में कौन सा एन प्रेजेंट रहेगा, Cl माइनस।
BR भी हो सकता है, I भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन वाले सोल्यूशन आप लोगों को नहीं देते हैं, तो हम एक ही पकड़ते हैं कि कौन सा आयन हो सकता है Cl-, लेकिन Cl- होगा ही नहीं तो आपके इसमें कभी भी वाइट पीपीटी नहीं आएगी। तो ये टेबल में ये जो जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं ये आपको कब तक करना है, जब तक इसमें से आपका कोई एक टेस्ट का जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा रिजल्ट नहीं आ जाता, और 100% वैसा कोई ना कोई टेस्ट आपका ज़रूर पॉजिटिव आएगा। तो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन से स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनायन, पहली स्टेप। इसमें से हमको जो भी मिलेगा उसको हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। तो पहली टेस्ट लिखी हुई है, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है और उसमें हमको डालना है डाइल्यूट HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा पढ़ के फट से जाके HNO3 डाल देंगे, ऐसा करना है क्या? बिल्कुल नहीं। हम ये भी पढ़ के जाएंगे कि क्या होना चाहिए। अगर बबल्स आए तो CO3- प्रेजेंट रहेगा, बबल्स नहीं आए तो CO3- एबसेंट रहेगा। तो अब हम लेते हैं हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन। तो रिएक्शन हमेशा हमें इस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करने हैं, तो इसमें हमने डाला ये थोड़ा सा सोल्यूशन, ठीक है। और अब हमको इसमें कौन सा सोल्यूशन डालना है, डाइल्यूट HNO3। आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन अभी एकदम शांत सा सोल्यूशन है, किसी भी टाइप के बबल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं है, किसी भी तरह के बबल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये HNO3 सोल्यूशन, ये डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन है, मतलब नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आप देखिए इफरवेसेंस का मीनिंग होता है कि ये सोल्यूशन डालते बराबर एकदम ऐसे भर भर के इसमें से बबल निकलेंगे, तो निकलेंगे तो CO3- प्रेजेंट रहेगा, और नहीं निकलेंगे मतलब CO3- एब्सेंट रहेगा। अच्छे से देखेंगे, ये अभी मैं ये सोल्यूशन में डाल रही हूँ ये डाइल्यूट HNO3, और डाइल्यूट HNO3 मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसको तो कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें से किसी भी टाइप के इफरवेसेंस जो है वो नहीं निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में CO3- जो है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर यहाँ पे इफरवेसेंस निकलते थे तो अब हम इसके बाद वाली फर्स्ट स्टेप वाली जो नेक्स्ट टेस्ट है वो करते थे क्या परफॉर्म, ठीक है, वो करते थे क्या हम परफॉर्म ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस HNO3? नहीं, क्योंकि हमारे इसमें इफरवेसेंस आ गए, मतलब कौन प्रेजेंट हो सकता है, CO3-, तो हम उस CO3- की क्या करते थे, कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो करते थे। लेकिन अब हमारे इसमें इफरवेसेंस नहीं आए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि CO3- एब्सेंट। तो अब हम दूसरी टेस्ट करेंगे, दूसरी टेस्ट का नाम क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसमें डालना है हमको AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो हमें कौन से कलर की पीपीटी मिलेगी, वाइट कलर की, तो कौन प्रेजेंट हो सकता है, Cl-, और नहीं मिलेगी तो Cl- क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में AgNO3 डालने के बाद, AgNO3 डालने के बाद वाइट कलर की पीपीटी मिलती है या नहीं मिलती। तो ये हमने डाला है इसमें, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। और अब हम इसमें कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो सारे रिएजेंट बॉटल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इसमें से हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कौन सा है। तो ये हमको मिल गया है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो आ गया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे और देखते हैं कि वाइट कलर की पीपीटी आएगी क्या। अब आपको लगेगा इसमें ये वाइट वाइट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान से केयरफुली देखो, ये सोल्यूशन का सिर्फ कलर दुधिया है, इसमें किसी भी तरह की प्रेसिपिटेट या पीपीटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी तरह की पीपीटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, अगर इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो भर भर के इसमें क्या आएगी, पीपीटी आएगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें, देखिए ये रिएजेंट मैंने इसमें डाला और इसको मैंने इसके ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया। आप ये सोल्यूशन को देखो, देखो इसमें किसी भी तरह की वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखाई दे रही है क्या, ठीक है। जो पीपीटी होती है वो हमेशा वजन में भारी होती है, तो वो हमेशा नीचे जमा होती है। ये सॉल्यूशन जैसा का वैसा है, इसमें किसी भी तरह की वाइट कलर की या किसी भी टाइप की प्रेसिपिटेट जो है वो डेवलप नहीं हुई है। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में Cl- भी क्या है, एब्सेंट है। Cl- भी क्या है, एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिखा है ना कि अगर
वाइट पीपीटी आती है तो सीएल माइनस क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और अगर वाइट पीपीटी नहीं आती मतलब सीएल माइनस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जिसमें हमको ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या डालना है, बेरियम नाइट्रेट। कौन सा सॉल्यूशन डालना है, बेरियम नाइट्रेट। अगर ये डालने के बाद यहाँ पे हमको वाइट पीपीटी मिलती है तो हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट रहेगा, SO4 माइनस माइनस। और अगर ये डालने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता मतलब नो पीपीटी, किसी भी तरह की प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होती, तो हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट रहेगा, NO3 माइनस। तो अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम नाइट्रेट डालने के बाद वाइट पीपीटी मिलती है या फिर नहीं मिलती। मिला तो SO4 और नहीं मिला तो कौन प्रेजेंट रहेगा, NO3। बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हमको जो है वो डालना है। तो ये हमने ले ली हमारे टेस्ट ट्यूब, ये हमने ले लिया हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ये ओरिजिनल सॉल्यूशन हम इसमें अभी लेंगे, और अभी इसमें कोई भी पीपीटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ये मिल गया हमें, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ये बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल के देखते हैं कि ये सॉल्यूशन के ऊपर इसका कोई असर होता है या नहीं होता। अभी देखिए इसमें आपको सॉल्यूशन हमारा दुधिया कलर का है, मिल्की टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें हम जो है ये बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो डालेंगे। अगर वाइट पीपीटी आई तो SO4 माइनस माइनस, और नहीं आई मतलब NO3 माइनस उसमें क्या रहेगा, मे बी प्रेजेंट। तो अब हम ये डाल रहे हैं इसमें बेरियम नाइट्रेट, और बेरियम नाइट्रेट डालने के बाद, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट डाला मैंने इसमें, ये बॉटल मैंने 8 नंबर से उठाई थी तो मैंने 8 नंबर पे इसको वापस रख दी। ये चीज़ मैं बार बार बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपनी जगह पे लेके जाते हैं और फिर वहीं पे रख देते हैं, और बाकी बच्चे आते हैं और वो ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ गई बॉटल, कहाँ गई बॉटल, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको किसी भी तरह की प्रेसिपिटेट दिखाई दे रही है क्या, नहीं, जैसा हमारा पहले था सॉल्यूशन अभी भी वैसा ही है, मतलब हमको इसमें वाइट पीपीटी नहीं मिली है। अगर वाइट पीपीटी मिलती तो उसमें कौन प्रेजेंट रहता, SO4 माइनस माइनस। और अगर वाइट पीपीटी नहीं मिल रही है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, पीपीटी मिलती तो कौन प्रेजेंट रहता था, SO4 माइनस माइनस, लेकिन पीपीटी नहीं मिली है इसका मतलब सॉल्यूशन में कौन हो सकता है, NO3 माइनस मे बी प्रेजेंट। वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हम अभी भी बोल रहे हैं कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होंगे, जब हम इसकी कौन सी स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 2, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब मुझे बताओ ये प्रैक्टिकल करते समय हमें CO3 माइनस माइनस मिला था क्या, नहीं, इफरवेसेंस नहीं आए थे। Cl माइनस मिला था क्या, नहीं, क्योंकि वाइट पीपीटी नहीं आई थी। उसके बाद हमें SO4 माइनस माइनस मिला था क्या, नहीं, क्योंकि वाइट पीपीटी नहीं आई। कौन मिला हमें, NO3 माइनस, क्योंकि कोई भी पीपीटी यहाँ पे नहीं आई थी। तो हम किसकी कन्फर्मेटरी करेंगे, हम इसमें से किसकी कन्फर्मेटरी करेंगे, NO3 माइनस की कन्फर्मेटरी करेंगे। मतलब जो हमको मिला है उसको हमको क्या करना है, कंफर्म करना है, उसको हमको क्या करना है, कंफर्म। तो ये देखिए आप ये पेज पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट NO3 माइनस। कन्फर्मेटरी टेस्ट किसके लिए है, ये नाइट्रेट आयन के लिए है, NO3 माइनस। NO3 है और वहाँ पे उसके सर पे एक निगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, और निगेटिव चार्ज मतलब ये कौन है, अनायन। यहाँ पे हमारे पास कितनी कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखी हुई है, 2, ये पहली वाली कन्फर्मेटरी और ये दूसरी वाली कन्फर्मेटरी। वैसे तो कोई भी एक किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो भी हम बोलेंगे कि हमारा कन्फर्म हो गया, लेकिन हमारे पास है 2 टेस्ट और हमारे पास मतलब इंटरेस्ट भी है तो हम दोनों टेस्ट करके देखेंगे। पहली टेस्ट क्या लिखी हुई है, आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपको क्या डालना है, कॉपर फिलिंग्स, कॉपर का चूरा आपको उसमें डालना है, और आपको फिर उसमें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये हीटिंग ऑप्शनल है, बिना हीट किए भी आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो दिख सकता है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें कॉपर फिलिंग डालेंगे और उसमें फिर क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये पढ़ के आना है तो उसके बाद ही टेस्ट परफॉर्म करनी है। क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स
ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब H2SO4 डालने के बाद उसमें कौन से कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो निकलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो निकलते हैं या नहीं निकलते। तो ये हमने लिया है हमारा रिएक्शन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि इसी में हम सारे रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हमने इतना डाल दिया। सोल्यूशन डालने के बाद जो कि हमको इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, तो थोड़ा प्रिकॉशन हम ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, स्किन के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब को किस में लगा दिया, होल्डर में लगा दिया। अब हम इसमें डालेंगे कॉपर फिलिंग्स, तो हमारे पास कॉपर फिलिंग्स है, ये मैंने पहले ही यहाँ पर निकाल के रखा है। ठीक है, ये कॉपर फिलिंग्स इस तरह से है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें ये कॉपर का चूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है कॉपर फिलिंग। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन बिना नॉलेज के हमको उसको कुछ भी मतलब नहीं करना है, ये मैंने इंस्ट्रक्शन में पहले ही बताया है आपको। हाँ, तो हम इसमें से थोड़ा सा ये कॉपर का चूरा लेंगे और ये हम हमारे सोल्यूशन में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, अरे लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा, तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्लास रॉड, तो ये ग्लास रॉड से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे ढकेल देंगे। तो हमने जैसे ही इसको नीचे ढकेला, ये अंदर चला गया। अब थोड़ा सा इसको शेकिंग वेकिंग कर देते हैं, तो अब ये कॉपर फिलिंग इसमें क्या हो गई, अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसको थोड़ा साइड में रख देंगे और उसके बाद हमको इसमें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सा सोल्यूशन डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। तो आप बस एक मिनट रुकेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशंस है वो मैं हमेशा उधर वाली रैक में रखती हूँ, तो मैं वो लेके आती हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और देखना है आपको कि ये ब्राउन, अभी आपको इसमें कुछ भी ब्राउन वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, सिंपली दुधिया कलर का ये सोल्यूशन है। हमारे टेस्ट ट्यूब भी बिल्कुल साफ सुधरी है। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल केयरफुली प्रिकॉशन के साथ आपको इसमें ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन जो है वो डालना है। देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको, एकदम कुछ तो भी विगरस रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। हाँ, शायद आप आवाज़ भी सुन पाएंगे, कुछ विगरस रिएक्शन हो रही है। देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में जो है वो ब्राउन कलर की गैस भी बन गई है, पहले ऐसी नहीं थी टेस्ट ट्यूब, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा, मतलब ब्राउन कलर की गैस निकलेगी और सोल्यूशन जो है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा ब्लू कलर यहाँ पे आया है, और हमको रिजल्ट भी मिल गया कि हमारे सोल्यूशन में कौन प्रेजेंट है। देखिए, ब्राउन कलर दिख रहा है और थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी इसकी आ रही है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। मतलब हमारे सोल्यूशन में कौन कंफर्म हो गया है, हमारे सोल्यूशन में कौन कंफर्म हो गया है, NO3- जो है वो कंफर्म हो गया है। देखिए, ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने कॉपर फिलिंग डाली, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, मैंने बोला था कि हीटिंग ऑप्शनल है। तो इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस लीविंग अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये ब्राउन गैस जो है वो निकल रही है। देखिए, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये ब्राउन कलर की गैस बनी है, और ये देखिए कुछ तो भी विगरस रिएक्शन यहाँ पे अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, और हमारा सोल्यूशन कौन से कलर का हो गया है, ब्लू कलर का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो हो गया है। तो आई होप कि आपको ये NO3- कैसे कन्फर्म हुआ ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास और एक टेस्ट है, तो क्यों ना हम वो भी टेस्ट करके देखें, बिल्कुल करके देखेंगे। क्या करना है आपको, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसमें फिर आपको डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम उसमें डालेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन में। देन हम उसमें डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन, FeSO4 सोल्यूशन मतलब आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ तो भी लिखा हुआ है, एड स्लोली फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विदाउट डिस्टर्बिंग द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। जब आप ये FeSO4 सोल्यूशन इसमें डालते हैं, तब आपको
केयरफुली डालना है, एकदम सोल्यूशन लिया और भटक से डाल दिया हमारे ओरिजिनल सोल्यूशन में, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे डालना है, क्योंकि इस टेस्ट में एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन आने वाला है। अ ब्राउन रिंग अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ द टू सोल्यूशन, जहाँ पे ये FeSO4 सोल्यूशन ये ओरिजिनल सोल्यूशन और H2SO4 सोल्यूशन के साथ मिलेगा, वहाँ पे कौन से कलर की रिंग आनी चाहिए? ब्राउन कलर की रिंग। अगर रिंग आ गई, इसका मतलब आपके सोल्यूशन में NO3- क्या हो जाएगा? कन्फर्म हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है और फिर धीरे धीरे उसमें डालना है FeSO4 सोल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट, ये भी टेस्ट हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है रिएक्शन टेस्ट ट्यूब, हम रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा। देन हमारे पास हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है, ये हमने लिया ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। आपको ये टेस्ट करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है, जितना आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया है उतना ही आपको उसमें कौन सा सॉल्यूशन डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमेशा हम किससे डालेंगे, हमारे टेस्ट ट्यूब को जो है हम होल्डर से लगा लेते हैं, ठीक है, प्रिकॉशन लेना चाहिए हमने, है ना, कुछ भी घटना होने से पहले। और उसके बाद मैंने ये लिया सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन जो है ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। पहले वॉल्यूम देख लेते हैं हम, इसकी दुगना वॉल्यूम जो है वो हमको डालना है, ध्यानपूर्वक बिल्कुल डालेंगे हम इसमें ये सॉल्यूशन। ये इसमें ये सोल्यूशन हमने डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ है क्या? नहीं, हमारे सोल्यूशन में हमने H2SO4 डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये गर्म हो गई है, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये क्या हो गई है, थोड़ी सी गर्म हो गई। तो हमको क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाना है। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वाटर बाथ भी दे सकते हैं। वाटर बाथ मतलब इसको कैसे नहलाएंगे, तो हमारे पास ऐसा बीकर या कुछ सोल्यूशन अगर बीकर अगर होता है तो उसमें हम पानी डालेंगे और उसमें हम हमारे टेस्ट ट्यूब को इस तरह से डीप करके रखेंगे, तो उसको कहा जाता है बाथ, ठीक है। तो अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन। तो ये जो बीकर में आपको ये येलो कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, ये कौन सा सोल्यूशन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब अभी अभी मैंने बनाया हुआ सोल्यूशन है FeSO4 सोल्यूशन। अभी आपको इसमें कोई भी रिंग वगैरह कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, रिंग समझता है ना सबको, ऐसी कोई भी रिंग आपको इसमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि ये डालने के बाद इसमें रिंग आएगी कि नहीं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में देना है कि डालते बराबर तुरंत रिंग नहीं आती, आपको थोड़ा सा 2 मिनट उसको सेटल डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिंग आएगी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि रिंग आती है कि नहीं। और मैंने बोला था कि ये जो सोल्यूशन है ये आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके और धीरे धीरे जो है आपके इसमें डालना है। देखिए आप देख सकते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ पे ये दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिले वहाँ पे ये एक डार्क ब्राउन कलर की क्या आ गई है, रिंग आ गई है। तो इसको रिंग टेस्ट भी जो है वो कहा जाता है। तो इस तरह से अगर रिंग आ जाती है तो हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट हो सकता है, हमारे सॉल्यूशन में अब हो सकता है कि बात ही नहीं है, अगर ऐसा टेस्ट आता है तो हमारे सॉल्यूशन में कौन सा आयन कन्फर्म हो गया है, NO3- आयन कन्फर्म हो गया है। ये देखिए, मैं फिर से आपको सारे टेस्ट जो है वो दिखा देती हूँ। ये सारे टेस्ट मैंने ऐसे ही अरेंज करके रखी है, आप अगर अभी कॉलेज में आते थे तो ऐसी टेस्ट आपको अरेंज करके रखना पड़ता है और फिर अपने टीचर को जाके सारी चीज़ें जो है वो बतानी पड़ती है, उसी के ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, प्रैक्टिकल के। तो ये हमारे पास हमारा था ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें हमने सबसे पहले कौन सी टेस्ट की, हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने डाला डाइल्यूट HNO3, तो इफरवेसेंस जो है वो नहीं मिले, मतलब CO3- क्या हो गया, एब्सेंट हो गया।
फिर उसके बाद हमने दूसरी टेस्ट की, हमने हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और उसमें जो है वो हमने डाला AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो उसमें भी कोई भी PPT नहीं आया, इसका मतलब उसमें Cl-Ion(B) जो है वो एबसेंट है। देन हमने तीसरी टेस्ट की, तीसरी टेस्ट में हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने बेरियम नाइट्रेट नाम का सॉल्यूशन डाला। अगर वाइट PPT आती थी तो SO4- प्रेजेंट रहता था, लेकिन हमारे इसमें तो SO4 था ही नहीं, इसलिए कोई भी PPT नहीं आई। और जब कोई भी PPT नहीं आती तो कौन प्रेजेंट रहता है, NO3-। तो फिर हमने NO3- की कौन सी टेस्ट की, कन्फर्मेटरी टेस्ट की। कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर फिलिंग डाली, कॉपर का चूरा डाला और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, स्टिल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। देखिए इसमें से बबल्स जो है वो निकल रहे हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे तो, और ब्राउन कलर की गैस निकली है और हमारा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का बन गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टेस्ट जो हमने अभी लास्ट में की है, इसको रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और फिर हमने उसमें डाला फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। तो जहाँ पे ये दो सॉल्यूशन मिले वहाँ पे जंक्शन पे हमें क्या मिली, एक रिंग मिली। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन में कौन सा अनायन कंफर्म हो गया है, NO3- जो है वो हमारे सॉल्यूशन में कंफर्म हो गया है। आई होप कि आपको अब किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में से अनायन कैसे ढूंढते हैं उसकी प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। अब ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट, अब हमें ये समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें कैसे लिखना है। तो उसके लिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को हमको लिखना कैसे है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का नंबर है Experiment No. 2। देन इसका एम है, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनायन फ्रॉम गिवन ओरिजिनल सॉल्यूशन। गिवन ओरिजिनल सॉल्यूशन में से हमें किसे ढूंढना है, अनायन। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल लिखेंगे, तो यहाँ पे दो स्टेप में लिखना है। पहली स्टेप जो है जिसमें हम अनायन को ढूंढते हैं उसे कहते हैं हम अनायन डिटेक्शन, और दूसरी स्टेप जो है जिसको हमने ढूंढा उसको हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दी अनायन। तो अब हम देखते हैं कि हमने आज एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो हमने सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या डाला, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद हमारे मैनुअल में क्या लिखा था कि क्या आते हैं, बबल्स आते हैं, कौन से गैस के, CO2 के। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, CO3-। लेकिन जब हमने एक्चुअली ये प्रैक्टिकल किया, ये टेस्ट हमने परफॉर्म की, तो हमें ऐसा पता चला कि डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद उसमें से बबल्स नहीं आए। बबल्स आए थे क्या हमने जब किया था, नहीं आए थे। तो हम वहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे कि बबल्स आए थे, हम वहाँ पे लिखेंगे नो बबल्स, क्योंकि बबल्स आए ही नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि वहाँ पे किसी भी तरह के बबल्स, या वहाँ पे लिखा हुआ था इफरवेसेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफरवेसेंस। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी भी तरह का चेंज जो है वो वहाँ पे नहीं हुआ, तो नो चेंज। इसका मतलब CO3- प्रेजेंट रहेगा, मे बी प्रेजेंट रहेगा, कि डायरेक्टली एबसेंट रहेगा, एबसेंट, कोई भी इफरवेसेंस नहीं आए, मतलब ये टोटली क्या रहेगा, एबसेंट रहेगा, ठीक है। देन फिर हमने कौन से टेस्ट की, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3। AgNO3 सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वाइट PPT आती थी तो कौन प्रेजेंट रहता था, Cl- मे बी प्रेजेंट, लेकिन वाइट PPT आई ही नहीं, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, नो PPT, वाइट PPT क्या, कोई भी PPT वहाँ पे हमको नहीं मिली, तो जिसकी वजह से Cl- जो है वो मे बी प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एबसेंट, क्योंकि उसके टेस्ट आई ही नहीं है। देन फिर हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन पे क्या डाला, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने डाला, तो वहाँ पे हमको वाइट PPT मिली क्या, नहीं, वहाँ पे हमको वाइट PPT नहीं मिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें कोई भी PPT नहीं मिली, और कोई भी PPT नहीं मिली मतलब SO4- में भी प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं, अगर वाइट PPT नहीं मिली इसका मतलब SO4- क्या रहेगा, एब्सेंट, SO4- क्या रहेगा, एब्सेंट। फिर वही टेस्ट मैंने डबल से लिखी है, यही वाली, कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या डाला, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिला, नो PPT।
तो अगर नो पीपीटी ऑब्जर्वेशन मिलता है तो हमारे सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट हो सकता है? NO3 माइनस आयन मे बी प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में कौन सा आयन हमने डिटेक्ट किया है कि NO3 माइनस आयन हो सकता है। तो अब हमारे नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि हमको ये जो कुछ भी NO3 माइनस मिला है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। उसे हमको क्या करना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट हमें किसके लिए लिखना है, अनायन के लिए लिखना है, तो वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँगी। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने कौन सा अनायन ढूंढना था, NO3 माइनस, कि हमारे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है, NO3 माइनस मे बी प्रेजेंट। अब हमको उसको कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए हमें सेकंड स्टेप परफॉर्म करनी है जिसका नाम है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो हमने दो कन्फर्मेटरी टेस्ट की थी इसलिए हम दोनों टेस्ट लिखेंगे। पहले टेस्ट में हमने क्या लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर हमने उसमें डाला था कॉपर फिलिंग, कॉपर का कुछ चूरा हमने उसमें डाला था, और बाद में हमने उसमें डाला था कौन सा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन हमने उसमें डाला। तो इसका एक विगरस रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे कौन से कलर के फ्यूम्स हमें मिले, ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, एंड जो सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज होके वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन गया, एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में ये जो कुछ भी NO3 माइनस अनायन है ये अब क्या हो गया है, कन्फर्म हो गया है। ठीक है, अब हम 100% बोल सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कौन सा अनायन प्रेजेंट है, NO3 माइनस अनायन जो है वो कन्फर्म हो गया। फिर हम दूसरी टेस्ट भी लिख देते हैं। जैसे हमने दूसरे टेस्ट में क्या किया था, हमने किया था ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले डाला था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और फिर हमने उसमें डाला था, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब ताज़ा बनाया हुआ कौन सा सॉल्यूशन हमने उसमें डाला था, FeSO4 सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन डाला हमने, FeSO4। ये सॉल्यूशन हमको केयरफुली डालना था क्योंकि जहाँ पे ये सॉल्यूशन इसके साथ मिलेगा वहाँ पे आनी चाहिए ब्राउन कलर की रिंग। अगर रिंग आई तो NO3 कन्फर्म, अगर रिंग नहीं आई तो इसका मतलब उसमें NO3 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे तो रिंग आई थी। ठीक है, तो हम इसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, अ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, जहाँ पे दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिले वो जंक्शन पे हमें कौन से कलर की रिंग मिली, ब्राउन कलर की रिंग मिली। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में कौन सा अनायन कन्फर्म हो गया, NO3 माइनस अनायन हमारे सॉल्यूशन में क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है। तो इस तरह से आपको NO3 माइनस के स्टेप नंबर 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो लिखना है। अब इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि हमें रिजल्ट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है। तो रिजल्ट पे हम क्या लिखते हैं कि हमें हमारे जो गिवन सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें से कौन सा अनायन जो है वो मिला है। द अनायन आइडेंटिफाइड इन सैम्पल सॉल्यूशन 1 इज, कौन सा अनायन आइडेंटिफाई किया है हमने, NO3 माइनस, या इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे NO3 माइनस। ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग। तो ये NO3 माइनस आयन जो है ये हमको कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन से मिल सकता है, तो हम कोई भी ऐसे सॉल्ट का नाम ले सकते हैं जिसमें ये नाइट्रेट आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रेट के लिए हमारे पास अलग अलग एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद लीड नाइट्रेट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो है PbNO3, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ पे चौक पूरा प्रॉब्लम, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम
लीन नाइट्रेट सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे हमको जो है ये सॉल्यूशन मिल सकता है। अब हम इसके आधार पर लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इस रिजल्ट के आधार पर हमको लिखना है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन हमारा सिंपल सा रहेगा कि गिवन सैंपल सॉल्यूशन वन कंटेन कौनसे अनायंस NO3 माइनस, कौन से अनायन हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट अनायन जो है हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में हमें क्या लिखना है, ठीक है, कौन सा अनायन प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, NO3 माइनस, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। द NO3 माइनस अनायन फाउंड इन द सैम्पल सॉल्यूशन वन कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन। जो मैंने इसका मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताया था तब मैंने आपसे कहा था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होता है वाटर ऐड करने के बाद तो एक कैटायन बनाता है और एक अनायन बनाता है। तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन का नाम भी है, कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3। तो ये जो लीड नाइट्रेट है इसमें अगर हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, इसमें अगर हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो इसका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आयनाइजेशन, और ये ब्रेक होके बनाएगा Pb++ और Pb+ और साथ में ये अनायन बनाएगा NO3-। Pb+ और अनायन कौन सा बनाएगा, NO3-। तो ये हो गया है इसका कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो आई होप कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अच्छे से समझ में आया है। एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया है तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को सिस्टमेटिकली लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा। समरी, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई अनायन फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन। कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन टेबल राइटिंग, ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से लिखना है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन राइटिंग, रिजल्ट किस तरह से लिखना है, इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है और कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझा के बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके मैनुअल में कंप्लीट करना है। अब देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको मिला है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज कि अनायन किसे कहते हैं, वो कैसे बनता है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है। साथ में ही यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली अनायन को ढूंढ के निकाला है, तो इंजीनियरिंग टूल एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग वाला PO भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और ये चीज़, ये प्रैक्टिकल आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिला है। अब बारी आती है कि हमें हमारा मैनुअल किस तरह से कंप्लीट करना है। रिटर्न वर्क तो आप प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन टेबल में कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन साथ में ही हर एक्सपेरिमेंट के पीछे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे आप इन्हीं चारों क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखेंगे। डिफाइन वैलेंस ऑर्बिट, डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिफाइन वैलेंसी एंड स्टेट इट्स टाइप एंड राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हमारे नेक्स्ट आने वाले प्रैक्टिकल वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 एंड 6 जो है वो हमारी यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कॉपर का निकालेंगे और साथ में ही हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का। तो सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।